हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं डॉक्टर संगीता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पेट की टीबी के बारे में। पेट की टीबी होने पर क्या सिम्टम्स आते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी टीबी की बात आती है तो हम सभी लोग जानते हैं कि टीबी जो है वो फेफड़ों की बीमारी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि ये जो टीबी है ये हमारे बॉडी के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। जब भी जो टीबी की बीमारी है ये फेफड़ों से बाहर निकलती है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। और ऐसे ही अगर ये जो टीबी का इन्फेक्शन है ये अगर हमारी आंतों में हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। जो ये टीबी का जो इन्फेक्शन है ये जब आंतों में होता है तो आंतों में हमारे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया रहता है इसका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारी इंडिया में जो छोटी आंत में होने वाली टीबी की बीमारी है इससे लगभग 5 से 9% लोग प्रभावित हैं। और साथ ही साथ ऐसे मरीज जिनको टाइफाइड बुखार रहा है उनमें ये जो टीबी की बीमारी है या पेट की टीबी की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा हो आशंका इसकी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जिन मरीजों को डायबिटीज की समस्या है, एचआईवी से प्रभावित हैं, उन लोगों में भी पेट की टीबी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि ये जो पेट की टीबी का इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स रहते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे अगर आपको आंतों में इन्फेक्शन है टीबी का तो आप ये नोट करेंगे कि आपका जो वजन है वो लगातार कम होगा, क्योंकि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन रहता है इसकी वजह से मरीज को खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज की बॉडी में पोषक तत्वों की और विटामिन्स की कमी रहती है, जिसकी वजह से शरीर जो है वो कमज़ोर होने लगता है और लगातार वजन कम हो जाता है। इसका जो दूसरा लक्षण है वो है लगातार हल्का बुखार रहना। जब भी किसी व्यक्ति को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन हुआ है या पीड़ित है तो उसके जो बॉडी का तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो लगातार बढ़ता रहता है या फिर लगातार हल्का सा बढ़ा हुआ रह सकता है। और इसके साथ साथ मरीज को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ सकता है। अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति को दिख रहे हैं या आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी को भी दिख रहे हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसके साथ खाने की आदतों में बदलाव होना। अगर आपके बॉडी में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपकी आंतों में टीबी का इन्फेक्शन हुआ है तो ये आपके खाने पीने की आदतों को अधिकतर प्रभावित कर सकती है। जैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से खाना खा रहे हैं तो हो सकता है अचानक आपके खाने में कमी आ जाए, आपकी भूख में कमी आ जाए और इसके साथ साथ आपको जो खाना है वो पसंद नहीं आएगा, आपको खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। ये सभी लक्षण जो हैं वो देखे जा सकते हैं टीबी के इन्फेक्शन में। इसके साथ साथ पेट में ऐंठन हो सकती है। जब भी आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो इसमें जो पेट में ऐंठन होना ये एक आम लक्षण है। और पेट में जो ऐंठन होगी ये आपको रुक रुक कर हो सकती है और जो हमारा नाभि वाला एरिया रहता है यानी जो अम्बिलिकल वाला एरिया रहता है यहाँ पर आपको तेज़ दर्द महसूस हो सकता है और इसके साथ साथ आपको पेट में लगातार ऐंठन महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ आपको दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है। जब भी आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति रहता है उसको अधिकतर डायरिया की प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ साथ उल्टी होना या फिर लगातार जी मिचलाते रहना और ख़राब डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा जो खाने खाने की इच्छा है वो कम हो जाती है, पानी अच्छा नहीं लगता है और बराबर उल्टी जैसा महसूस होता रहता है,
ये सभी लक्षण हैं जो आपको पेट की टीबी होने पर देखे जा सकते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को ये लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना टेस्ट करवा के और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।